देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर इस वर्ष पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को मुरादाबाद में मंडलीय खादी ग्रामोद्योग महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान नगर विधायक ने प्रदर्शनी का भ्रमण कर चरखा भी चलाया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में खादी फैशन का प्रतीक बन रहा है। प्रदेश की योगी सरकार खादी को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, जिसकी वजह से खादी से जुड़े लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री कार्यपालक अधिकारी राजीव त्यागी ने बताया कि मुरादाबाद में मंडलीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो 8 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में देश के कई राज्यों के खादी कारीगरों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। जो प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए चलाई जाती हैं प्रदेश में, उनके द्वारा जो इकाई के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको बिक्री में प्रोत्साहन देने और प्रचार प्रसार के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश से इकाई आई हैं, बिहार से, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और भी प्रदेशों से, और बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है। ये एक्चुअली बहुत छोटी एग्जीबिशन थी, 30 इकाइयों की मंडल स्तरीय एग्जीबिशन थी, लेकिन हमने इसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया है और 74 इकाइयाँ यहाँ इस समय हमने लगाई गई हैं, और अभी भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं बाहर से इकाइयाँ हम यहाँ लगाने के लिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2-4-6 इकाइयाँ और बढ़ा। मुरादाबाद में खादी ग्रामोद्योग शाम को बच्चों के साथ विभाग की तरफ से एक मंडलीय प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, जिसमें पूरे मंडल के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है, इसी कड़ी में आज ये प्रदर्शनी लगाई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मंडल स्तर की प्रदर्शनी ना होके इसमें मंडल से बाहर, प्रदेश से बाहर के लोगों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ पे प्रदर्शनी में लोग आए हैं अपना स्टॉल लगाने के लिए। तो मेरी शहर के सब नगरवासियों से अपील है कि वो आए इस प्रदर्शनी में, बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए हैं और इस प्रदर्शनी का पूरा लाभ वो लोग।